ओह, ऐसा लगता है कि बेबी नैन्सी भूखी है, उसे तत्काल मदद की जरूरत है। दादी, सोने का समय नहीं है, आपकी पोती को खाना चाहिए। दादी अपनी प्यारी पोती को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ओह, यह ब्रिटनी नैन्सी की बड़ी बहन है। एक बहन के अलावा कौन समझ सकता है कि नैन्सी को क्या चाहिए। शायद, और तुम यहाँ हो, मुझे डर है यहाँ आपकी मदद के बिना कोई काम नहीं हो सकता। शायद केवल एक पेशेवर ही समस्या का समाधान करेगा। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक चुनौती है और यह अभी शुरू होने वाला है। नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, यह पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है, कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया, और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, यहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं, और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो। बिल्कुल सही, अब डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है, कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। क्या आगे क्या है? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है, तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया, यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले, यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह, मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हालचाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो, मुझे शाबाशी दो। क्या केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है, और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट, लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, यह पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है, लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ चलो, अब यह ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक ग्लास पानी है? यह सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ, यह कुल था। हाँ, एक विनर है। वाह ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स? बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं, हमारे स्टोव को चालू करते हैं, हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाए। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओ, क्या हुआ, आलू के छिलकों की बारिश है? ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए।
यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से। दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते, मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार, बॉन एपेटिट। ओ वाह, शेफ हमें डिस्पेक्ट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है। ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर, शायद ये जले हुए चिप्स इस बात को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है, ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से हैं। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरोज इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैटुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं, दिल के आकार से बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? यहाँ तो, यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओ हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस ये तैयार है। मुझे पता है, यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? वो शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह एक कूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था केक। वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में तीन जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है।
और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाए, हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। एक चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट? वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है, और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज, बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है, शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगियों ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है, सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी, यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या? अरे दोस्तों, आप एक नई कुकिंग चुनौती में हैं। केक को सजाने की चुनौती। अभी बेबी एलिस केक देख आएगी, उसे कैसा चाहिए, क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अंडे से शुरू करूंगी। क्या यह सही है दादी? ओ, यह तो मेरे कटोरे में ही टूट गया। शेल को बाहर निकाल देते हैं। छी, अंडा कितना पतला स्लाइमी है। अब मैं क्या करूं? खैर, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी मेरी पोती। तो हाँ, इस तरह से। मैं दुनिया की सबसे अच्छी दादी हूँ, मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो आगे जारी रखते हैं। मेरे लिए एक नहीं, काफी नहीं होगा। तैयार, अब आगे क्या करना है? क्या? चीनी? तो थोड़ी सी चीनी। लेकिन दादी, ये केक है, इसे मीठा होना चाहिए। मैं बहुत सारा डालूंगी। What? क्या? कोई बात नहीं, ये स्वादिष्ट है। मैंने अभी थोड़ी चीनी खाई है, ये ठीक नहीं है। आप क्या कर रही हो दादी? वाह, दूध, दूध डालना होगा। बस मैं इसे खोलने जा रही हूँ। ओ, ये खुल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ गिर गया। लेकिन थोड़ा बचा हुआ भी है, चिंता मत करो, तैयार हो जाएगा। ओ दादी, क्या मैं आटा उधार ले सकती हूँ? अच्छी, ओह, हर जगह आटा बिखर गया, चेहरा गंदा हो गया है। ओह, मेरा चेहरा पूरा गंदा हो गया। क्या मैं डरावनी दिख रही हूँ? खैर, कोई बात नहीं, चलो अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं सब डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। यह विस्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। इस तरह से आसान और जल्दी होगा। ओह, नई जेनरेशन, वो यह भी नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करते हैं। आधुनिक पीढ़ी को आपके पुराने जमाने के बीटर्स की क्या जरूरत होगी? हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, हम सब कुछ आराम से मिक्स कर सकते हैं। जरा इस परफेक्ट डो को देखो। ओ, मेरा डो कैसा है? क्या सब कुछ ठीक है? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई, कोको डालना होगा। बच्चे ने चॉकलेट मांगी है, अब दादी सब कुछ करेगी। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट दूध होगा और केक। सब कुछ एक कटोरे में डालते हैं और फिर ओवन में। आह, मेरी पीठ, झुकना मत। ओह, चलो मैं अब थोड़ी बुनाई कर लेती हूँ। क्या दादी ने पहले ही डो बेक करने के लिए रख दिया? और मैं क्या करूँ?
अरे रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हमने डो से दोस्ती नहीं की, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से ओरियो खा रही हूँ। अब हम इसमें से एक टुकड़ा बना देंगे, फिर हमें एक अच्छा सा चॉकलेट केक मिलेगा। और अब वापस डो पर चलते हैं। इसे करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी अच्छा बना है। अब हम इन्हें सांचों में डालेंगे और इस पर डाई मिलाएंगे। मेरे पास एक क्लासिकल कलरफुल डो होगा, जैसे कि मैं हूँ। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे। हाँ, अच्छे से पहले मिक्स किया, फिर मोल्ड में। हाँ, ऐसे। मैं सुंदर रंगीन धारियों वाली एक स्पंज केक बनाऊंगी। दादी सो रही है, इसलिए हम चुपचाप ओवन में से ले लेते हैं। मेरा हो गया। आह, ये लोग भी ना अनारी है बिल्कुल। ओवन में डाल भी दिया। अब मेरे क्रिएशन का समय है, देखो और सीखो। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगी और रंग मिलाऊंगी। एक अच्छा सा रेनबो केक बनाऊंगी। अब मैं अपने पसंदीदा गोलाकार के सांचे को निकालती हूँ, जिसमें मैं अपना भव्य रंगीन डो डालूंगी। तैयार रहो, मेरा केक तैयार होने पर सबसे अच्छा होगा। तो आपको यह कैसा लग रहा है? ओ बेबी, तुम फ्रीज हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए प्लेट बुना है, क्या अच्छा है ना? धन्यवाद, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जिल, मुझे केक निकालने की जरूरत है, प्लेट को मत हटाना। तो तुम तैयार हो? ओह, मुझे माफ करना। हाँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह तैयार है। वाह, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शेफ, इसे देखो, अच्छा है ना? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा बना है। जेल, मुझे सिरप दे दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक सुंदर केक बनाऊंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ओरिजिनल केक होगा, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। ओ, मेरा केक तैयार है, तुम्हारा कैसा है? वाह, ओ, गरम गरम है ये, बहुत लगता है बहुत अच्छा बना है। पर इस पर किसी चीज को लगाना होगा, जिसे कुछ मीठा लगे, जैसे लिक्विड मार्शमेलो। लेकिन पहले चख लेती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो, अब इसे अच्छे से केक पर लगा देती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। यह सुपर स्वादिष्ट चॉकलेट के साथ एक सुपर स्वीट केक होगा। वाह, कितना बढ़िया, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? बेबी एलिस खुश हो जाएगी। वाह, मैं खुद ही इसे खाना चाहती हूँ। ओह माय गॉड। ओह, ठीक है, धन्यवाद दादी। सॉरी, माफ करना, ये तुम्हारे लिए है। तो मेरे बिस्किट भी तैयार है, हमें इसे बाहर निकालना होगा। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं सभी बिस्किट को बाहर निकालने जा रही हूँ और अपना आइडियल केक सेलेक्ट करूंगी। थोड़ा क्रीम ऊपर से और इसे अच्छे से मिला दिया। अब एक के बाद एक सारे लेयर्स लगा दिया और ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल्स। बस, अब जरा देखो मेरा केक कितना शानदार लग रहा है। हाँ, यह सच में बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा केक। और अब फाइनल टच, थोड़ा सिरप। हाँ, और एक सुंदर रेनबो तैयार है। कूल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए टेस्ट करना शुरू करते हैं। वाओ, कितना सुंदर केक है। वाओ, ये रिपंजल है। वाओ, कितना सुंदर, मुझे इसे ट्राई करना है। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट केक है। वाओ, अद्भुत। और यह केक कैसा है? बहुत बढ़िया बहन। यह तो अद्भुत है, लाजवाब। और इस केक का स्वाद कैसा है? रेनबो। वाओ, यह तो कमाल का है। मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगी।
मुझे शेफ का केक सबसे ज्यादा पसंद आया। हुरे, शेफ जीत गया। मेरी बधाई स्वीकार करो। सबसे ज्यादा मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ। बढ़िया पसंद, एकदम आसान। मैं एक टुकड़ा खुद खाना पसंद करूँगा। मैं पिज्जा सबसे अच्छा पकाती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, टमाटर के पेस्ट को बेस पर ठीक से फैलाना है। चीज और सॉसेस जोड़े और ओवन में सेकना है। मैं एक टाइमर भी सेट करूंगी। हाँ, और अब बस इंतजार करना है। हाँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दादी, देखो तुम्हारा पोता क्या कर रहा है। हाँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। Oops, हमें रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पर बच्चे, हमें खाने के साथ ऐसा नहीं कर सकते। खैर, यहीं से मुझे डो मिलता है। वाह, धन्यवाद दादी। अब इसमें केवल फिलिंग डालना बाकी है। और मेरे पास एक महान आइडिया है। टमाटर के पेस्ट के बजाय मैं मार्शमेलो लूंगा। इसे फैलाने की जरूरत है ताकि एक भी खाली जगह न बचे। और अब यह स्किटल्स का समय है। पेपरोनी के बजाय मेरे पास एक स्किटल रोनी होगी। हाँ, मेरी बहन ने निश्चित रूप से अभी तक ऐसा पिज्जा नहीं खाया होगा। अब तुम लोग देखो नौसिखिए, एक असली पेशेवर आसान तरीकों की तलाश में नहीं रहते हैं। मैं अपने पिज्जा को असामान्य बनाने के लिए आटे में कटल फिश इंक मिलाऊंगा। और अब बस इसे ठीक से फैलाने की जरूरत है। और हाँ, आप टमाटर के पेस्ट के बिना नहीं कर सकते। जरा रंगों के इस कॉम्बिनेशन को देखो, कमाल है। लेकिन मेरे पिज्जा में कुछ खास होना चाहिए, सी फूड। और क्या चाहिए? देखा, बिल्कुल सही। यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस थोड़ा देर और यह तैयार हो जाएगा। ओह, समय कैसे निकल गया। असल में मैं लगभग सो गया था, जैसा कि उम्मीद थी। बिल्कुल सही, यह बहुत अच्छा है। और मेरा पिज्जा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, यह थोड़ा पिघल गया है। चलो देखते हैं। सभी पिज्जा अच्छे लग रहे हैं। एक सेकंड रुको, यह क्या है? किसी तरह का घोंगा? नहीं, यह ऑयस्टर है। कुछ भी हो, मैं इसे खाने वाली नहीं हूँ। और शेफ को भी यह पता होना चाहिए। अब इसकी बात अलग है। इतना सुंदर टुकड़ा, मेरे तो जेब में पानी आ रहा है। स्वादिष्ट। लेकिन अभी भी दादी का पिज्जा बाकी है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है, हमेशा की तरह। वाह दादी, आप जीत रही है। ऐसा इसलिए बच्चे, क्योंकि मैं इसे प्यार से पकाती हूँ। तैयार हो जाओ और अब चलो काम पर लग जाओ। बर्गर, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भी मेरा बच्चा चाहता हो, यह आसान होना चाहिए। छी, कीमा, यह तुम ले लो दादी। मैं एक बन के साथ शुरू करूंगा। बर्गर के नीचे एक बन और ऊपर एक बन होना चाहिए, और बीच में कुछ स्वादिष्ट जैसे कि न्यूटेला। और क्यों नहीं, मीठा बर्गर लगभग तैयार है। देखो यह कितना शानदार लग रहा है। यह किसी भी ढांचे में फिट नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। मार्शमेलो, चलो डालता हूँ। एक मीठे बर्गर के लिए बस यही चाहिए। मैं और डालूंगा। ओ वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने कभी इससे बेकार रेसिपी नहीं देखा है। मैं एक बन पर कुछ मार्शमेलो लगाऊंगा। कितना सुंदर। हाँ, यह दिखाने का समय है कि असली बर्गर क्या है। न्यूटेला और कैंडीज नहीं, बर्गर में मुख्य चीज एक कटलेट है। इससे मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा मीट बॉल बनाऊंगी और इसे पैन में डालूंगी। हाँ, देखो ऐसे, इस तरह से। और मैं एक स्पैचुला के साथ इसे दबाऊंगी। हमें इसे पलटना नहीं भूलना चाहिए। हाँ, रुको, यह कैसी गंध है। ओह, कितना भयानक। शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ नियंत्रण में है। मार्शमेलो को स्वादिष्ट बनाने के लिए भूनना चाहिए था, और बर्नर इसमें मेरी मदद किया। अब केवल गमी रिबन डालने और ऊपर से सजाने की जरूरत है। और मेरा बर्गर तैयार है। एक मीठे ब्रेड को बर्गर मत कहो,
मैं ऐसा नहीं सुन सकता। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सही बर्गर क्या है। चीज के अलावा आपको इसमें बेकन जोड़ना होगा, और हाँ, जितना अधिक उतना स्वादिष्ट। तड़ाम, तैयार। दुनिया का सबसे शानदार बर्गर से मिलो, ये बहुत अच्छा है। हाँ, वास्तव में यह प्रभावशाली निकला, लेकिन कुछ भी परंपराओं को पार नहीं कर सकता। यहाँ यह है मेरा विजेता बर्गर। फाइनल टच बचा है, अगर ऊपर से थोड़ा कैरमेल डाल देता हूँ तो और स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो, अब यह हुई ना बात, इससे अधिक स्वादिष्ट और कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। चलो देखते हैं यह क्या क्या है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है और स्वादिष्ट। निश्चित रूप से जीत का दावेदार। और हमारे पास यह क्या है? बुरा नहीं है, सामान्य बर्गर, मैंने इसे कल खाया था। और नया क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, मीठा बर्गर। वाह, इसमें न्यूट्रेला की खुशबू आ रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, कमाल का। इससे स्वादिष्ट बर्गर मैंने कभी नहीं खाया है। हाँ, बधाई हो, ये जीतता है। ओह, ये तो होना ही था, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्या आप मीठे के लिए तैयार हैं? मैं हूँ, मुझे कुकीज चाहिए आसानी से। ये एकदम आसान है। मैं इसे वैसा बनाऊंगा जैसा तुम्हें पसंद होगा, और मैं इसे ऐसे तैयार करूंगा जैसे इसे होना चाहिए। वह क्या है? इस डो को बेलना होगा, है ना? बच्चे, ऐसे डो का मजाक मत बनाओ, इसे कुछ नहीं होगा। डो को अच्छे से बेलो और फिर इसे अच्छे तरीके से काट लो, बस हो गया। मुझे नहीं पता दादी, पर यह थोड़ा बोरिंग है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक मग काफी होगा, बल्कि फीलिंग पर ध्यान देना बेहतर है। मैं M&M डालूंगा और यह बहुत अच्छा होगा। क्या मैं इसे एक ओवन में रख सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो, पर इसे जलाना मत। और मेरी कुकीज पहले से ही ब्राउन है, कितना सुंदर लग रहा है। ओह दादी, ऐसी कुकीज के साथ आप निश्चित रूप से इस दौर को नहीं जीतेंगी। इसके अलावा मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। हैंड्स अप। चलो रिलैक्स, ये बस एक मजाक था। बोरिंग कुकिंग के बजाय मैं एक अद्भुत जिंजर ब्रेड घर बनाऊंगा। मैंने कुछ हिस्सों को बेक किया है, अब केवल उन्हें एक साथ जोड़ना है। मेरे पास उसके लिए क्रीम है। यह लगभग हो चुका है। यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ओह बेटा, तुम्हारी कुकीज, यह जल रहा है, इसे जल्दी बाहर निकालो। ओह, कैसी महक है, और यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। ओह, कैसा बदसूरत दिख रहा है। ओह, कोयला किसने पकाया, और मुझे इसे खाना है। लेकिन यह अधिक दिलचस्प है, एक घर कूल, और यह स्वादिष्ट भी है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, और बाकी कुकीज को खाकर देखती हूँ। ओह, स्वादिष्ट। मुझे किसको विनर बनाना चाहिए? जिंजर ब्रेड हाउस मेरा फेवरेट है, किसी को संदेह नहीं। आपकी प्रतियोगिताओं के साथ मुझे फिर से भूख लगी है, मुझे नगेट्स चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं। दादी, सोने मत जाओ। मैंने क्या मिस किया? चिकन पकाना है। सिर्फ चिकन नहीं, बल्कि नगेट्स। हाँ हाँ, मुझे पता है, हमें पैन में तेल डालना है और इसे ठीक से गर्म करना होगा। दादी, तुम तो महान शेफ हो, प्लीज मुझे भी तेल दो, मुझे यकीन है मैं यह कर लूंगा। क्या, यह निकल क्यों नहीं रहा है? चलो निकलो भी। ओह, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। चलो दिखावा करता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओह, तुमने क्या किया? खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब मेरे खाना पकाने का समय है। मैं चिकन ब्रेस्ट को छोटे टुकड़ों में काट लूंगी, अब इसकी ब्रेडिंग करनी है। अंडों को तोड़ ले और दूसरी कटोरी में थोड़े ब्रेड क्रम्स रख ले। बढ़िया, और अब हमें अंडे में चिकन को डुबोना होगा, और फिर तुरंत इसे ब्रेड क्रम्स में लपेटकर फ्राइंग पैन में गर्म तेल में डालना होगा। बस, ये बहुत अच्छा तैयार हो रहा है।
हाँ, दादी खाना पकाने में तो मास्टर है, अपने को रोकना असंभव है। ओह, ये गर्म है, मेरी उंगलियाँ। लाओ मैं फूंक कर सहला देती हूँ। अब कैसा लग रहा है, ठीक है ना? तुम्हें गर्म तेल में हाथ नहीं डालनी चाहिए थी। और मेरा ध्यान मेरे काम से मत हटाओ, मैं इसमें थोड़ा लग्जरी लगाने का फैसला किया है, इसलिए मेरा नगेट्स गोल्डन होगा और डिश तैयार है। और मैं क्या करूँ? ओह, मुझे पता है, आखिरकार हर दुकान में कच्चे नगेट्स तो बेची जाती हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारूंगा। चलो इसमें थोड़ी चीज लगाता हूँ। स्टिक के सहारे इसे लिया और चीज डाला। जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा यह स्वादिष्ट होगा। पर दादी माँ कैसे कर रही है? पहले अंडे में और ब्रेड क्रम्स के बजाय मेरे पास कुछ अच्छा होगा। चीटोस, सुपर, बिल्कुल सही ब्रेडिंग। और अब इसे तल सकते हैं। जरूरी बात, दोनों तरफ तलना नहीं भूलना है। बिल्कुल सही, यह एकदम अच्छा है। वाह, नहीं, मैं तुम्हें अपने आसपास नहीं फटकने दूंगा। मेरे पास कुछ शानदार है, मेरा सीक्रेट सामग्री। अब देखते हैं कौन जीतता है। डिनर लग चुका है। ओ, और हमारे पास यहाँ क्या क्या है? क्या ये चीटोस है? कूल। वाह, और ये धुआं कैसा है? बहुत सुंदर। मैंने कभी सोने के नगेट्स नहीं खाए है। बुरा नहीं है, लेकिन ये बेहतर हो सकता है। अब बस इन सुंदर नगेट्स को ट्राई करना बाकी है। स्वादिष्ट, मुझे खुद नहीं पता कि किसे चुनना है। हाँ, नहीं, मुझे पता है, यह सबसे स्वादिष्ट है। ओह वाह, आखिरकार मैं विनर हो गया।